अपनी मनपसंद फिल्में देखने के लिए बेल आइकॉन दबाएं और सब्सक्राइब करें प्ले मूवीज। एक अंगारा है कि जमी है, साए का एक हल्का सा धब्बा भी नहीं है। इन चट्टानों को प्यास की बेशुमार कहानियां याद हैं। प्यास जो पानी की भी होती है, पैसे की भी और खून की भी। प्यास और प्यास के टकराव का नाम ही तो इतिहास है। हमारी ये कहानी भी ऐसे ही दो प्यास के टकराव की कहानी है। एक प्यास है ब्रिटिश राज की, जो दुनिया में छा जाना चाहता है, और एक प्यास है मांडोखेल के कुछ दीवानों की, जो ब्रिटिश राज से टकरा कर आजाद रहना चाहता है। क्या बात है ज़ुल्फ़िकार खान? वो हरामजादे जमाल खान और करीम खान लोगों को भड़का रहे हैं। सारी जमीनें फिरंगियों के हाथ बिकवा रहे हैं। तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं समझते? तुम्हारी बंजर जमीन के इस टुकड़े पर तुम्हारी फाका कशी और तुम्हारे ख्वाबों की कब्रों के सिवा आज तक तुम लोगों को दिया क्या है भाई? बोलो, हराम बोलता बेच डालो उस कब्रिस्तान के बादशाह को। मोहम्मद खान, तुमने कभी जिंदगी में 2000 रुपए एक साथ देखे हैं? बोलो, 2000? हाँ भाई, 2000 रुपया। सोच क्या रहे हो मोहम्मद खान, जल्दी से अंगूठा लगाओ। ठहरो। दोस्तों, मानता हूं कि तुम्हारी जमीन ने तुम्हें फाका कशी और गुर्बत के सिवा कुछ नहीं दिया है, लेकिन तुम्हारी जमीन पर आजादी और सरबुलंदी की फसल भी उगी है। ये जमीन का बेनामा नहीं करीम खान, हमारी आजादी का बेनामा है। दोस्तों, मैं तुम्हें तुम्हारी चीजें बेचने के लिए नहीं रोक रहा हूं, मगर ये सोचो कि तुम बेच क्या रहे हो। तुम अपनी जमीनें नहीं बेच रहे हो, तुम बेच रहे हो अपनी आजादी चांदी के चंद टुकड़ों के लिए। मैं अपनी जमीन नहीं बेचूंगा जमाल खान। हसन लाले, हमको माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ा भूल हो गया भाई। हम उन फिरंगियों के बहकावे में आ गए थे, हमें माफ कर दो। माफी मुझसे नहीं, इस जमीन से मांगो, अल्लाह से मांगो, वही तुम्हें बख्शेगा। और एक बात याद रखो, पठानों की तरह जीना सीखो और पठानों की तरह मरना सीखो। हम जो तुम दोनों को पठान समझकर तुम्हारा बात पे भरोसा किया। कसम खुदा की जेम साहब, अगर वो खबीज का बच्चा हसन ऐन वक्त पर ना जाता तो काम हो गया होता। उस हरामजादे के बच्चे ने गांव वालों से आके बोला कि पठान की तरह जीना सीखो मरना सीखो। बट हमको तो तुम दोनों पठान ही नहीं लगता। ओ जेम साहब, कसम खुदा की कोई दूसरा ये बात करता ना तो हम उसी जबान पे गिरा डाल देता। अब हम अपने माथे पर लगा हुआ ये जिल्लत का दाग हसन लाले के खून से धोने के बाद ही तुम्हारे पास आएगा। यकीनन, हमको यकीन तो नहीं आता, लेकिन अगर तुम लोगों ने मांडो खेल का सर काट दिया तो तुम दोनों को ताजे बर्तानिया के साए के साथ साथ 10,000 रुपए का कैश रिवॉर्ड भी मिलेगा। 10,000 रुपए जेम्स साहब? यस। अरे इतनी बड़ी रकम के लिए तो मैं अपना खुद का सर भी कटवा सकता है। खुदा हाफिज जेम्स साहब। चलो करीम लाला, वे काम हो गया। खुदा हाफिज जेम्स साहब। खान बाबा, क्या बात है, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? हाँ, तुम बताओ मर्सी। मुझे नहीं मालूम। मुझे मालूम है, ये दोनों मेरे लिए लड़ रहे हैं। पाले कहता है कि मैं जुलेखा से शादी करूंगा। गुलबाज कहता है कि मैं जुलेखा से शादी करूंगा। अब तुम ही बताओ मैं किससे शादी करूं? हाय रब्बा, चुप, बेशरम। इसमें शर्म की क्या बात है? इन दोनों में से जिसका निशाना अच्छा होगा वही जुलेखा से शादी करेगा। आओ। लो बेटे गुलबाज, वहां से हम पर निशाना लगाओ। बेटा गुलबाज, इस अनार पर निशाना लगाओ। पाले, अब तुम्हारी बारी है बेटे, गोली चलाओ।
शाबाश मेरे शेर। मेरी शादी पाले से होगी, मेरी शादी पाले से होगी, मेरी शादी पाले से होगी, मेरी शादी पाले से होगी। हाँ, तेरी शादी पाले से होगी। कभी नहीं पूछी कानम, इसकी शादी मुझसे होगी। कोई जबरदस्ती है क्या? मैं नहीं करने वाली तुमसे शादी। दूल्हा भाई सलाम अलैकुम। आपा कानम सलाम। सलाम अलैकुम आपा कानम। खुशामदीद। अरे ये गुलबाज का चेहरा क्यों उतरा हुआ है आपा खानम? करीम खां की बेटी ने इससे निकाह करने से इनकार कर दिया। मुझे तो पाले ने जीत लिया है। तो अपनी बहू को अपने घर पे बिठा लो हसन लाले, बिन माँ की बच्ची है, मुझसे तो नहीं पाली जाती। हाँ तो जमाल खान, आज बहन बहनोई की याद कैसे आ गई? दूल्हे भाई, हमें मालूम पड़ा है आप कुछ दिनों के लिए बाहर तशरीफ ले जाते हैं। हाँ, मैं गाँव गाँव जाकर लोगों को ये खबरदार कर देना चाहता हूँ कि वो फिरंगियों के हाथों अपनी जमीनें ना बेचें। फिरंगी अपने रुपए की ताकत से हम सबको गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा फातिमा, चलता हूं। खुदा हाफिज। हमें यहाँ से निकलना है। तुम किसका खून करके आए हो? किसी का नहीं। मेरी बात का जवाब दो, तुम किसका खून करके आए हो? हसन लाले का। क्या? हसन लाले का? अपने अपने बहनोई का खून किया है तुमने? हाँ, ये देख, इतनी दौलत से हम गुलबाज के लिए क्या नहीं कर सकते। योग्य साये में आराम से रहेंगे। तू क्या समझता है कि तेरे ही आराम की हराम जिंदगी बिताने के लिए मैं तेरे साथ चलूंगी? कभी नहीं जमाल खान, कभी नहीं। मैं सारे पिंड को जमा करूंगी। तूने हसन लाले का कत्ल नहीं किया है, तूने सारे मानो खेल का कत्ल किया है। नहीं, मैं अपने बेटे पे तेरे गद्दारी का साया नहीं पड़ने दूंगी। छोड़ मेरे बच्चे। अरे बाबा खान, बाबा खान आ गए, बाबा खान आ गए। अरे पाली सुन, खान बाबा आ गए, खान बाबा आ गए। बाबा 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 खान बाबा बाबा अल्लाह खान बाबा क्या हो गया? उतार उतारो खान बाबा। क्या हुआ खान बाबा? हाय हाय अल्लाह, देखो तो खान बाबा। फातिमा, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मेरा सर सिवाय उसके किसी और के सामने नहीं झुका। लोगों, मेरी वसीयत सुनो। पाले जाने बाबा, आजादी का एक लम्हा गुलामी के हजार लम्हों से ज्यादा होता है। मेरे बाद ये जंग जारी रहे, ये जंग जारी रहे।
बेटे, खुदा की ये किताब मैं तेरे हवाले कर रहा हूं। हसन खान, मलकुल मौत को पीछे धकेल कर बताओ, कातिल कौन है, कातिल का नाम बताओ। करीमुद्दीन खान और जमाल। या अल्लाह। Officers, look at this map. Raj Bartania mein suraj kabhi nahi doobta. Itna bada Hindustan hamara gulam hai. Magar ye chota sa mamooli dhabba 50 saalon se British power ko lalkar raha hai. Chand anpad gamar बैंडिट्स, डाकू राज बर्तानिया के चढ़ते हुए सूरज का रास्ता रोके खड़े हैं। कल का हिस्टोरियन हम लोगों का मजाक उड़ाएगा। इन 50 सालों में 15 जनरल्स आए और इन मुट्ठी भर कच्चे घरों का सर नहीं झुका सके। शेम ऑन अस। गुलबाज खान, कम विद मी। I will not tolerate this, Colonel. मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा कि उन 15 नाकाम जनरल्स के बाद 16वां नाम मेरा भी हो। उनका लीडर कौन है गुलबाज खान? पहले हसन खान था, अब उसका बेटा पाले खान। Who? पाले खान। पाले खान जी, पाले।
कर्नल, मुझे वो पाले खान चाहिए, जंजीरों में जकड़ा हुआ, सर झुका है। एंड आई प्रॉमिस यू दैट यू विल गेट अ लेटर ऑफ एप्रिसिएशन फ्रॉम हिज मैजेस्टी किंग जॉर्ज द फिफ्थ। अरे मेरी बहन दुल्हन बन के कितनी अच्छी लग रही है। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? बड़े लाले यहाँ नहीं है ना। पाले यहाँ पे कैसे आ सकता है राधा? उसके यहाँ आने में खतरा है। सुना है कि नया फिरंगी अफसर बहुत होशियार है। लेकिन मेरा दिल कहता है बड़े लाले यहाँ जरूर आएंगे। लाले? ओ लाले के जान, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने तुम सबको आने के लिए मना किया था ना, तुम लोग फिर भी आ गए। लाले के जान, अल्लाह के घर और दोस्त के घर जाने के लिए किसी की इजाजत नहीं ली जाती। तुम समझने की कोशिश करो पाले। राधा हम सबकी बहन है, हम कैसे नहीं आते? क्यों? आओ। सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम अस्सलाम बेटे, कैसा है रे? सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो भैया? अल्लाह का फजल। आइए। वाह सुभान अल्लाह, कैसी हो बहन? भाईजान मेरा दिल कहता था आप जरूर आएंगे। बहन की शादी में भाई नहीं आए ऐसे हो सकता है? ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। बहुत खूबसूरत है। पहन इसे, मम्मी से मिलकर आता हूँ, बहुत दिनों से डांट नहीं खाई ना। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अम्मी मैं जानता हूं तो मुझसे नाराज है क्योंकि मैं महीनों दूर रहता हूं ना तुझसे, लेकिन मैं क्या करूं? क्या बाबा जान की शुरू की हुई लड़ाई को छोड़कर मैं यहां बैठा रहूं? देख अम्मी, अम्मी तू रूठ कर मेरी राह खोटी मत कर। तू जानती है जब रात को मैं उन मेहरबान पहाड़ियों की गोद में लेटता हूं तो उनसे तेरी खुशबू आती है। सच? तू यहां कैसे आई? तू जानती है खान अली हसन खान का घर है? गद्दारों के यहां आने से इस घर की जमीन नापाक हो जाती है। शायद तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं करीमुद्दीन खान नहीं उसकी बेटी जुलेखा हूँ। पेड़ की शाख पेड़ से अलग नहीं होती। बाप के गुनाहों की सजा तो अल्लाह भी औलाद को नहीं देता। मैं अल्लाह नहीं हूँ। तू अल्लाह होता तो मैं तुझसे शादी करने का ख्वाब थोड़ी देखती। अगर तू ये ख्वाब देख रही है तो भूल जा और शुक्र कर के तू लड़की है, वरना अगर मैं लड़का होती तो तू क्या करता? तो मैं तेरा खून अपने चेहरे पर मलकर अपने अब्बा का शोक खत्म करता। फिर तो तेरा शोक कभी खत्म नहीं होगा। मैं उस दिन के इंतजार में हूं जब तुझे एक बेटा होगा, मैं उसका कत्ल करके अपने अब्बा का हिसाब चुकाऊंगा। तो क्या तू अपने बेटे को मार डालेगा? क्या बकती है तू? मैं ब्याह करूंगी तो सिर्फ तुझसे, और मेरे पेट से जो बेटा होगा वो सिर्फ तेरा ही होगा। खबरदार तो तुम क्यों इस यतीम बच्चे पर अपनी नफरत की धार तेज करता है? अपने जमीर के दरवाजे खोल, ताजा हवा आने दे। तू बाबा खां जैसे शेर दिल का वारिस है, गुजरे हुए कल की तरफ पीठ मोड़ ले बेटा। इसकी पीठ में भी आंखें हैं खाला खानो, ये पीठ करके भी नफरत करता रहेगा। लोग संगे अस्वत चूमने के लिए मक्का शरीफ जाते हैं, मैं तो यहीं अपनी माँ की पेशानी चूमकर अपना हज पूरा कर लेता हूँ। माँ की जान। अरे मेरी प्यारी राधा, बिल्कुल गुड़िया जैसी लग रही है तू। लो मानो खेल की हिरनी आ गई। अल्लाह गारत करे तुझे जुलेखा, कितने देर कर दी। क्या करे बेचारी, पाले भाई जान अब कितने दिनों के बाद लौटे हैं, देर तो लगेगी ही हालत सुनाने में। चल चल अब शुरू भी कर जुलेखा। लेकिन मैं क्या गाऊं? अरे वही गा देना जो सलमा की शादी में गाया था। चलो चलो शुरू करो ठेका।
तुम लोग शादी का जश्न मना रहा है हा? मनाओ मनाओ, पर पहले हमको ये बताओ कि पाल खान और उसका गैंग किधर है। बोलो, गाली बताओ, वरना तुम लोगों की कब्र इधर ही हो जाएगी। कहां है पाल खान? बोलो, पाल खान कहां है? तुम पाल खान हो? बताओ। हे, तुम पाल खान लगता है। बताओ तुम्हारा गैंग किधर है? पाल खान? कप्तान, अपने चारों तरफ देखो, मौत तुम्हारे चारों तरफ खड़ी है। आज हमारी बहन की शादी है और इस खुशी के मौके पर हम तुम्हारा गंदा खून बहाना नहीं चाहते। और अगर तुम लोग चाहते हो कि इस कप्तान की मां इसके मौत पर ना रोए, तो अपने अपने हथियार डाल दो। सब लोग फेंक दो। चलो सफेद कबूतर, अपनी टोली वापस ले जाओ। चलो चलो सब लोग। कैप्टन स्मिथ, वेल डन वेल डन। राज बतानिया को तुम्हारे जैसे ऑफिसर्स पे नाज है। तुमने दिखा दिया कि किस तरह चंद गुलामों से डरकर अंग्रेज जान बचाकर भागता है। I'm sorry, sir. Shut up! हम यहां हारने के लिए नहीं, हुकूमत करने के लिए आए हैं। जिंदगी में पहली बार, आज पहली बार मैं हारा हूं, लेकिन अब मैंने एक तरकीब सोची है। इन बस्तियों में 15 बरस से ऊपर के हर आदमी को गिरफ्तार कर लिया जाए, उनसे इतनी कड़ी मेहनत करवाई जाए कि वो अधमरे हो जाएं। उनका ये दर्द, उनके हम दर्द पाले खान को चैन से बैठने नहीं देगा, और हम अपने सबसे पुराने दुश्मन पाले खान को खत्म कर देंगे। लेखा, क्या सोच रही है? कुछ नहीं, मैं राधा के बारे में सोच रही थी। वो चल झूठी, राधा के बारे में सोच रही थी या पाले के? सुन, आज वो जा रहे हैं, तू बोल तो संदेशा भिजवा दूं। सुलेखा, बड़ी परेशानी तुम्हारे लिए।
मैं जानता हूं कि तुम लोग पाले खान का पता नहीं बताओगे, इसलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जवानी में तो और भी खूबसूरत हो रही हो, ये निखरा हुआ हुस्न, ये चांद सा रोशन चेहरा इन मट्टी के घरों में रहने के लायक नहीं है। हमारे साथ रहोगे, हम तुम्हें अपनी शहजादी बना लेंगे। गुलबाज छोड़े से गुलबाज खान पे हाथ उठाने का अंजाम जानती हो? इसका जवाब मैं बाद में दूंगा। तुम तो इन सब का प्रीस्ट है, तुम झूठ नहीं बोलेगा हा? बोलो पाले खान और उसका गैंग किधर है? बोलो वरना तुम सब लोग का जान जाएगा। बोल नो कैप्टन स्मिथ नो, ये है पाले खान का वफादार कुत्ता अमर सिंह, बहुत काम का आदमी है। सोल्जर्स सब मर्दों को जंजीरों में जकड़ कर ले चलो यहां से इस कुत्ते के साथ। कैप्टन स्मिथ। यस सर। मैं इस हरामजादे को हेड ऑफिस ले जाता हूं, तुम सबको कोयटा जंगल बंद कर दो। ओके। क्या बात है जुलेखा, सब खैरियत है? गुलबाज खान फिरंगी फौज का दस्ता लेके आया था,
तमाम मर्दों को पकड़ के ले गया, कई लोग मारे भी गए हैं। तुम चलो। चाचा जान, अमर सिंह नहीं दिखाई दे रहा। उसे वो गद्दार गुलबाज अपने साथ ले गया है। आ,
चाचा जान, चाचा जान, चाचा जान, मेरे बाबा कहाँ हैं? पाले, अमर सिंह कहाँ है बेटी? मैं उसे नहीं ला पाया मैं। क्या? तू मेरे बेटे को छोड़ आया? पता नहीं उस बेचारे पर क्या गुजर रही होगी। अमर सिंह, मेरे बचपन का दोस्त अमर सिंह। तुम्हारा यह हाल देखने के लिए बरसों से मेरी आंखें तरस रही थी, आज मेरी आंखों की आधी प्यास बुझी है। बाकी की आधी प्यास उस दिन बुझेगी जब मेरे बचपन का दूसरा दोस्त पाले खान इसी हाल में मेरी आंखों के सामने खड़ा होगा। बताओ पाले खान का ठिकाना बताओ, नहीं तो मुझे मजबूर होकर तुम्हारी और खातिर करनी पड़ेगी। तू कैसा पठान है गुलबाज खान? अंग्रेजों की घटिया वर्दी पहनकर पठानों की वफा का चलन भी भूल गया? कुछ पठान सीधे पैदा होते हैं और कुछ उल्टे, जैसा कि मैं। और रहा सवाल इस घटिया वर्दी का, अगर मैं इस वर्दी को नहीं अपनाता तो आज मैं भी तुम्हारी तरह इधर खड़ा होकर किसी अंग्रेज के सामने अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा होता। अमर सिंह, अपने आप पर रहम करो, मुझे पाले खान का ठिकाना बता दो। जितना मारना है मार ले बुजदिल, लेकिन मैं पाले खान का पता बताकर अपनी जबान की तौहीन नहीं करूंगा हरामजादे। और तुझे चाहता है कि मैं तुझे जान से मारकर अपने हाथों की तौहीन करूं? ये नामुमकिन है, ये हरगिज नहीं होगा। मैं तुझे इतना तड़पाऊंगा, इतना तड़पाऊंगा कि तेरे जिस्म के हर इलाके से सिर्फ एक ही आवाज निकलेगी और उसमें होगा पाले खान का पता। तब तूने मांडोखेल की मिट्टी और मांडोखेल की माओ की दूध की ताकत को नहीं जाना गुलबाज खान। जब दर्द बर्दाश्त नहीं होगा अपनी जबान काट लूंगा, लेकिन पाले खान का पता नहीं बताऊंगा। और मार, और मार। गुलबाज खान, कम विद मी। लाशें सवालों के जवाब नहीं देती गुलबाज खान। अगर तुम इसी तरह सवाल जवाब करते रहे तो अमर सिंह से अमर सिंह की लाश बनकर रह जाएगी। हमें उसे धीरे धीरे तोड़कर पाले खान के हाइडआउट का पता करना है। आप शायद ठीक कह रहे हैं। एंड लिसन, मेरी बेटी एलन कल बॉम्बे से क्वेटा आ रही है, उसे आराम से, इज्जत से और हिफाजत से लाना तुम्हारे जिम्मे है। यस सर।
गंगादीन का खत आया है। शुक्र अल्लाह। गंगादीन ने ऐसा क्या लिख दिया खान पाले खान? अमर सिंह जिंदा है। पूरा पैगाम तो पढ़ लेने दो। यह खबर भी बहुत अच्छी है। परसों जनरल बांस की बेटी आ रही है। हम जनरल बांस से उसकी बेटी का सौदा करेंगे। अमर सिंह को छुड़वाने का यही सही रास्ता है। मिस एलन, तुमको उर्दू पढ़ना अच्छा लगता है? वेल मिसेस आइरीन, पापा का कहना है कि जिस कंट्री में जाओ वहां की लैंग्वेज सीखो। नेटिव्स का दिल जीतने का ये सबसे अच्छा तरीका है। कैन कम इन सर अमरुन। हाय लेफ्टिनेंट तेग अली खान। लेफ्टिनेंट तेग अली खान, इससे पहले आप अपने नाम तीन बार बता चुके हैं। यस मैम। आप ये भी बता चुके हैं कि ये पाले खान का एरिया है। यस मैम। और आप ये भी बता चुके हैं कि मेरी सिक्योरिटी के लिए इस कंपार्टमेंट के आगे और पीछे दोनों कंपार्टमेंट में आर्म सोल्जर्स हैं। यस मैम। तो अब आप क्या बताने आए हैं? मैं सिर्फ ये बताना हूँ मैडम कि आप बिल्कुल डरिएगा नहीं। अगर पाले का इधर आ गया तो हम इसको अरेस्ट करेगा। आप सिर्फ अपने डैडी को बोलकर आपकी प्रमोशन की सिफारिश करूँ। यस मैम। अब आप यहाँ से जाइए और हमारा लंच भिजवाइए। एंड डोंट ईट माय ब्रेन, ओके? यस मैम। यो खंजीर का बच्चा देख के नहीं चल सकता? हमको तुम जैसा जू दिखाई नहीं देता। तुम हमको जू बोला? तुमको पहले देखा नहीं? बच्चे कौन है तुम? बंदे को पाले खान कहते हैं। कौन है ये? अम्मी, ये इंग्लिश रेजिडेंट जनरल बांस की बेटी है हेलेन। औरत के साथ बदसलूकी करते हुए तो शर्म नहीं आती? ये मुझे मार डालेगा। नहीं लड़की, तू खान अली हसन खां की बेवा के घर मेहमान है और पठान अपने मेहमान को अपनी इज्जत की तरह प्यार करते हैं। तू मेरी हिफाजत में है। अमर सिंह को फिरंगियों के कब्जे से जिंदा बचाने का यही रास्ता है अम्मी। मैं जनरल बांस से इसका सौदा करूंगा। तू किसी ताजिर की औलाद नहीं जो सौदा करेगा। एक बहादुर सिपाही का बेटा है। एक लड़की को अपनी सिपर बनाकर अपने खून की तौहीन ना कर। अभी इसे ले जा और इसके परेशान बाप के हवाले कर। लेकिन अम्मी, तू ये भूल रही है कि अमर सिंह हमारे जानी दुश्मन के कब्जे में और ये उसकी बेटी है। नहीं पाले, नहीं। बेटी दुश्मन की हो या अपनी बेटी बेटी होती है। तो क्या करूं अम्मी, अमर सिंह को मर जाने दूं? कभी नहीं। ठीक है, तो संभाल अपने बाप का ये घर। और याद रख, अगर तू इस लड़की को पहुंचाने नहीं गया तो मैं तुझे दूध नहीं बख्शूंगी। मेरा लाड़ प्यार सब ले जाकर अपने बाप की कब्र पर चढ़ा। अम्मी, अम्मी,
तू घबरा मत लड़की, कल पाले तुझे ले जाकर तेरे बाप के घर छोड़ आएगा। अब अपने आंसू पहुंच। अमर सिंह कौन है जिसकी वजह से तुमने मुझे किडनैप किया? जंगे आजादी का सिपाही है, पठान है और मेरा भाई है। बट ही इज अ हिंदू और तुम मुसलमान, फिर वो तुम्हारा भाई कैसा हुआ? क्योंकि मांडोखेल की जमीन ने हम दोनों को जन्म दिया है। रुक क्यों गए? आजादी की सर्दियां खत्म होती है और गुलामी की हद यहां से शुरू। ये जानियार खान तुम्हें वहां तक पहुंचा देगा और फिर मांडोखेल लौट आएगा। इसे मांडोखेल का रास्ता पता है? अच्छी तरह। एक बात कहूं पाले खान? कहो। जब मैं पापा को बताऊंगी ना कि तुम कितने नरम दिल और कितने अच्छे हो, तो तुम्हारे बारे में उनकी राय जरूर बदल जाएगी और तुम्हें पार्डन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? पार्डन, माफी। माफी? किस बात की माफी? क्या तुम्हारे लंदन में आजादी से प्यार करने वालों को गुनहगार समझते हैं? और अगर समझते हैं तो मुझे ऐसी माफी नहीं चाहिए। मगर इस लड़ाई को खत्म तो होना चाहिए ना पाले खान। अगर इस लड़ाई का अंजाम सिर्फ यही है कि मुझे माफ किया जाए तो यह लड़ाई चलने दो एलन। उस दिन तक चलने दो जब तक कि हम लोग हैं या ये राज्य बर्तानिया। ये दुनिया हमारे लिए बहुत छोटी है एलन। मगर तुम्हारी और हमारी दोस्ती के लिए ये दुनिया छोटी तो नहीं ना? लड़ाई ताजे बर्तानिया से है, दोस्ती तुमसे। जब तक मैं जिंदा हूं ये दुश्मनी जिंदा रहेगी और ये दोस्ती भी। मैं अमर सिंह को छुड़ाने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर तुम ये समझ कर उसे छुड़ाने की कोशिश करोगी कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है तो मुझे उसकी रिहाई नहीं चाहिए। हाँ, अगर तुम्हें ये लगता है कि उसकी गिरफ्तारी जुल्म है तो बेशक कोशिश करना। चलिए। ओके। तुम मुझे कब और कैसे मिलोगे? ये जानियार खान तुम रख लेना, जब जी चाहे चले आना। ये लड़की नहीं जा सकती खान लाले। अमर सिंह अभी तक फिरंगियों की कैद में है और ये अमर सिंह की आजादी का परवाना है। ये लड़की जाएगी लाले क्योंकि ये मेरी माँ का हुक्म है। कल अगर तुम्हारी माँ फिरंगियों के साथ मिल जाने का तुम्हें हुक्म दे तो क्या तुम ये गद्दारी करोगे? ये अगर कोई और कहता तो अल्लाह की कसम इस वक्त वो जमीन पे तड़प रहा होता। एलन तुम जाओ। लगाम छोड़ दो रहमत। हम तुम्हें कौन सा गद्दारी नहीं करने देंगे। छोड़ दो ये लगाम, ये मेरा हुक्म है। हमने अपने सरदार का हुक्म मानने की कसम खाई थी, एक गद्दारे वतन की नहीं। तुम जाओ एलन। बाय। मुझे गलत मत समझो रहमत अली। एलन की आजादी का परवाना मेरी मां ने दिया था जाने पाले। हम सब एक ही के दीवाने हैं और हमारी उस लैला का नाम है मांडोखेल। इस रास्ते के सिवा तो मांडोखेल तक जाने का और कोई रास्ता ही नहीं, और यह रास्ता तो गांव वालों को 2 मील दूर से ही नजर आ जाता है।
हम बमबारी क्यों ना कर दे? No. मांडो खेल के लोगों को मार डाला ना तो मैं चाहता हूँ और ना ही इस मैजिस्ट्रीज गवर्नमेंट। हमें ये लोग जिंदा चाहिए, हाथ बांधे हुए, सर झुकाए हुए, और मुझे मेरी बेटी चाहिए जिंदा एंड इन वन पीस। हमें पाले खान को गिरफ्तार करना पड़ेगा। पाले खान जैसे लोग गिरफ्तार होने के लिए पैदा नहीं होते पापा। Oh my darling, my child, I miss you so much. I love you. I was so worried. तुम ठीक तो हो ना? Yes, papa. तुम्हें उस डाकू ने? डाकू? I mean उस पाले खान ने कोई? Oh, papa. मुझे खुद पाले खान यहाँ तक छोड़ गया है। Really? वो एक absolutely शरीफ और बहादुर आदमी है पापा। उसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाला। मेरी वजह से उसने अपने सब साथियों से झगड़ा किया। पापा, हमें इन प्राउड पठान्स के बारे में बिल्कुल गलत बताया गया है। They are wonderful people. They are brave, honest and sincere. पाले खान जैसे लोगों से हमें लड़ना नहीं चाहिए पापा, उनसे दोस्ती करनी चाहिए। His Majesty के राज को गुलामों की जरूरत नहीं है, कुछ अच्छे दोस्तों की जरूरत है। बड़ी अजीब सी बात है कि बेटी अपने बाप के सामने हमारे दुश्मन की तारीफ किए जा रही और आप खामोश खड़े हैं। कर्नल गुलबाज खान, अगर ये सर बुलंद पहाड़ ब्रिटिश राज में ना भी मिलाया जा सके तब भी ब्रिटिश राज में सूरज नहीं डूबेगा। एलन, ये तुम क्या कह रही हो? मैं ये कह रही हूँ पापा कि आप एक बार पाले खान से मिलकर उससे बात करके तो देखिए। गुलामों के मुकाबले में दोस्त ज्यादा भरोसे के लायक होते हैं। पाले खान मुझसे मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा, मगर अपना गुड फेथ दिखाने के लिए पहले आपको कुछ करना तो पड़ेगा ना। फॉर इंस्टेंस आप पाले खान के दोस्त अमर सिंह को अनकंडीशनली फ्री कर सकते हैं। ये नामुमकिन है जनाबे आली, ये हो ही नहीं सकता। क्या जनरल बांस के लिए अब गुलबाज खान फैसले करने लगे हैं? गुलबाज खान, आई थिंक एलन इज राइट। थैंक यू पापा। तुम्हें उस फिरंगन को छोड़ना नहीं चाहिए था खान पाले खान। मुझे अब भी यकीन है कि वो अपना वादा वफा करेगी। फिरंगी की कैसे आज तक कोई बचकर वापस नहीं आया खान पाले खान? अमर सिंह आएगा और जरूर आएगा। आज ईद है, सारी दुनिया खुशी मना रही है और हम लोग। गुलाम रसूल खान, हम जानते हैं कि आज ईद है और हम अल्लाह पाक की कसम खाकर कहते हैं जब तक अमर सिंह नहीं आएगा पाले खान की ईद नहीं होगी। ओए लाले, तब तो अमर सिंह को आना ही पड़ेगा। जाने पाले, मैं आ गया हूं लाले दी जान। ईद पर Thank you.
दिन है ये ईद का, दिल भर की दीद का, जब तेरे साथ है दामन उम्मीद का, हाथों से थाम ले अल्लाह का नाम ले, हिम्मत से काम ले अल्लाह का नाम ले, हिम्मत से काम ले, पहुंचे कुर्बान लाले दी जान, दुश्मन से इंतकाम ले। खुशियों का जाम ले अल्लाह का नाम ले, हिम्मत से काम ले अल्लाह का नाम ले, हिम्मत से काम ले, खुर्चे कुर्बान लाले दी जान, दुश्मन से इंतकाम ले। कैसे आ गई? गंगा दीन ने बताया कि आज ईद का जश्न है, मुझसे रहा नहीं गया। उस वक्त मैं तुम्हारे लिए परेशान था, अगर मेरे सिवा तुम्हें किसी और ने पहचान लिया होता तो। तुम्हारे सिवा और कोई पहचान भी कैसे सकता था? महबूबा की महक तो सिर्फ महबूब को ही आती है ना। मुझे वापस भी जाना है। बार बार जाओ, क्योंकि तुम्हारे जाने से तुम्हारे आने की लज्जत और बढ़ जाएगी। इश्क का एक नाम इंतजार भी है ना।
और मैं तुम्हें सरहद तक छोड़ा हूं। पाले, पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। क्यों? दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए। क्योंकि दोस्ती का हाथ इतना छोटा है कि मांडोखेल तक नहीं पहुंच सकता। जिद ना करो मेरी खातिर, प्लीज। ठीक है, एक शर्त है। कुछ दूर मैं आऊंगा, कुछ दूर आएंगे, वो भी अकेले, मैं भी अकेला। मंजूर है? मंजूर है। ये किस खुशी में? कॉन्ट्रैक्ट पर माहौल लगाई जाती है ना। पाले खान का तो कहीं पता नहीं, कहीं उसने हमें बेवकूफ तो नहीं बनाया? नो पापा, पाले खान एक बहादुर आदमी है और बहादुर आदमी झूठा वादा नहीं करता। लुक पापा, देयर ही कम्स। उसने तो अकेले आने का वादा किया था। हम भी तो अकेले नहीं है गुलबाज खान। वेलकम पाले खान। खुश आमदीद। मेरे आदमी भी कितने बेवकूफ हैं, ये भी नहीं जानते कि दोस्ती की बात शुरू करने से पहले दुश्मनी की हर यादगार मिटा देनी चाहिए। जनरल बॉन्ड्स, उस पर मेरी तस्वीर है। सॉरी, आओ झांक कर देख लो, अंदर कोई नहीं है। जब तुम इस मुल्क ही में खड़े हो जनरल बंस, तो फिर इस कमरे में तुम्हारे आदमी है या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? तशरीफ रखिए। शुक्रिया। अब बताओ जनरल बंस, मुझसे क्या बात करनी है? देखो पाले खान, अंग्रेजी हुकूमत इतनी बड़ी है कि इसमें सूरज कभी नहीं डूबता। सूरज तो डूबे बिना रह नहीं सकता। जब दौलत बरतानिया का दिन खत्म होने पर आएगा, तब उसका सूरज भी डूब जाएगा जनरल बांस, क्योंकि डूबना सूरज की फितरत है। मैं तुम्हें यह बात समझाने की जल्दी में नहीं हूं, लेकिन आने वाली सदियां तुम्हें यह बात अच्छी तरह समझा देंगी। क्या यही समझाने के लिए बुलाया था? नहीं नहीं, दरअसल मैं तो तुम लोगों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता हूं। और इस दोस्ती के बदले में हमें क्या मिलेगा? बहुत कुछ। हम तुम्हारे इलाके में अस्पताल खोलेंगे ताकि तुम्हारे बच्चे, बूढ़े और जवानों की बीमारियों का ठीक से इलाज हो सके। दवाइयां मुफ्त मिलेंगी। और तुम्हारे इलाके की सबसे बड़ी बीमारी जहालत है, इसलिए हम स्कूल खोलेंगे ताकि तुम्हारे इलाके के बच्चों को ठीक से तालीम दी जा सके। और ये तालीम भी मुफ्त होगी? बेशक। और हम तुम्हारे इलाके में सैकड़ों सड़कें बनवाने की स्कीमें मंजूर कर चुके हैं। ये सड़कें नए रोजगार लाएंगी और रोजगार गरीबी और मुफलिसी दूर करेगा। बहुत खूब, बहुत खूब। तब तो तुम दुश्मन नहीं, रहमत के फरिश्ते हो। तुम्हें तो हमारी जहालत और गरीबी का गम हमसे ज्यादा है। तुम्हारी इन मेहरबानियों के बदले हमें क्या करना होगा? कुछ नहीं, बस हथियार रख दो। यह हथियार तो पठान का लिबास है जनरल बांस, इसके बिना हम अपने आप को बरहाना महसूस करते हैं, इसके बिना हम बेबस हो जाते हैं। तो इसमें इतना घबराने की क्या बात है, अब तुम हमारी हिफाजत में हो। अल्लाह की हिफाजत में रहना हमें ज्यादा अच्छा लगता है। डरो मत जनरल बांस, अब तुम पाले खान की हिफाजत में हो।
अल्लाह का शुक्र मानो कि हम लड़ने नहीं दोस्ती की बात करने आए हैं। हम मेवा बेचते हैं, शहद बेचते हैं, जाफरान बेचते हैं, आजादी नहीं बेचते, ना ही मौत से डरते हैं, क्योंकि आजादी के रास्ते में आने वाली मौत रेशम से ज्यादा नर्म और शहद से ज्यादा शीरी होती है। एक बात याद रहे जनरल बांस, कि इज्जत की मौत का मजा हम जानते हैं और जिल्लत की जिंदगी का मजा हम जानना चाहते नहीं। अली खान, तो तुमने हमारी शर्तों के बारे में क्या सोचा है? आपने हमारे सर का दाम बहुत कम रखा है जनरल बांस, चाहे तो इसे दुगना कर सकते हैं। खुदा हाफिज। डोंट यू फॉरगेट गुलबाज खान कि पाले खान जब तक नजर आ रहा है मेरा मेहमान है। क्या हुआ पापा? बात टूट गई। क्यों? पाले खान बहादुर ही नहीं, एक समझदार और दिलेर इंसान भी है, इतनी जल्दी सुलह करने वाला नहीं। कुछ और लाओ मिसी बाबा। अरे ये कॉफी तो आपकी ठंडी हो गई। मिसी बाबा क्या सोच रही हैं आप? गंगा दीन, ये सोच रही थी कि ये खत पाले खान तक कैसे पहुंचाऊं। मिसी बाबा पहरा तो बहुत सख्त है, मगर मिसी बाबा के लिए हमें काम करना ही पड़ेगा। हा? आप आइए मेरे साथ।
से ना करे तू मर जाऊं मैं तेरा नाम लेके। बहुत दिनों से देख रहा हूं कि एलन अक्सर घर से बाहर चली जाती है। मुझे डर है कि कहीं वो ऐसी जगह ना चली जाए जो दुश्मनों के इलाके में हो। मैं सब समझ गया, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। तुम्हारे पास आ रही है, उसे फौरन वापस भेज देना। गुलबाज खां को शक हो गया है। फिर कब मिलोगे? इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे। अच्छा मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब तो देख लिया ना, ये खास ज्यादा उस फिरंगन के हुस्न का बीमार है। इसे मेरा बाप फरीदुद्दीन खान तो आज तक याद है, मगर उन अंग्रेजों को भूल गया जिन्होंने मेरे बाप से इसके बाप का कत्ल करवाया था। अरे चुप क्यों खड़ा है? कहता क्यों नहीं कि उस रंगन के लिए तो अपने मांडो खेल को भूल गया जिसमें तेरी माँ तेरी लंबी उम्र की दुआएं मांगती रहती है। मुझ पे एतबार करो जुलेखा, मुझ पे एतबार करो, मैं मांडो खेल को नहीं भूला हूँ। कैसे एतबार करें पाले, कैसे? मत भूल कि हमारा मकसद आजादी है और आजादी की इस जंग में फिरंगी लड़की का इश्क हमारे रास्ते का रोड़ा बनकर खड़ा है। आज तो एक दोराहे पे खड़ा है जाने मांडो खेल, एक रास्ता उस रेसिडेंसी की तरफ जाता है और दूसरा हमारे दिलों की तरफ। ये फैसले की घड़ी है पाले, जिधर जाना है उधर चला जा। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि मैं एलन से कभी नहीं मिलूंगा, कभी नहीं मिलूंगा। हमें तुमसे यही उम्मीद थी पाले, हमें तुम पर हमेशा नाज रहा है और रहेगा। पाले खान जिंदाबाद। अरे पापा आप यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरे इंतजार में पापा के माथे पर सोच की लकीरें क्यों डाल रखी हैं? ओ मैं माथे पर ध्यान देना भूल गया था। कोई बात नहीं, मैं आपको एक इतनी अच्छी खबर सुनाऊंगी कि आपके माथे की लकीरें खुद ब खुद मिट जाएंगी। तो पहले वो अच्छी खबर हो जाए। पहले से आपका क्या मतलब है पापा?
क्योंकि मैं भी तुम्हें एक दो बुरी खबरें सुनाने वाला हूं। तो पहले मैं वो बुरी खबरें सुन लूं, फिर मैं अपनी अच्छी खबर सुनाऊंगी। पहली बुरी खबर यह है कि गंगादीन अब हमारी कैद में है। वो गद्दार निकला। He's a traitor. Traitor? Yes. अंग्रेजी जबान में अपने वतन से प्यार करने वालों को ट्रेटर कब से कहा जाने लगा है पापा? आप खुद वतन परस्त हैं, किसी और वतन परस्त को गद्दार कहकर आप अपनी वतन परस्ती की तौहीन ना कीजिए पापा। चलो अब तुम अपनी अच्छी खबर सुनाओ। दूसरी बुरी खबर सुनने के बाद दूसरी बुरी खबर यह है कि आज के बाद तुम्हें रेजिडेंसी के बाहर कदम रखने की इजाजत नहीं है। यू मीन आई एम अंडर हाउस अरेस्ट? ऑलमोस्ट। वजह? वजह तुम अच्छी तरह जानती हो। पाले खान? यस। पाले खान से तुम्हारी बढ़ती हुई दोस्ती इस मैजेस्टी के पॉलिटिकल इंटरेस्ट से टकरा रही है। मेरा दिल ब्रिटिश एम्पायर का कोई हिस्सा नहीं है हिज एक्सेलेंसी द रेसिडेंट। मेरा दिल आजाद है और आजाद रहेगा। और जो अच्छी खबर मैं आपको सुनाने वाली थी वो ये है कि मैंने पाले खान से शादी करने का फैसला कर लिया है। What? You've gone mad, Ellen. तुम रेजिडेंसी के बाहर कदम नहीं रख सकती हो। Here are my orders. पाले खान के साथियों का पता बतला दो तो तुम्हारे दोनों पैर बच जाएंगे, और अगर पाले खान का ठिकाना बतला दोगे तो तुम्हारा ये सर भी बच जाएगा। नहीं नहीं बताता हूं गद्दार बाप का गद्दार बेटा। तुम तो बहुत बहादुर निकले गुलबाज खान, बंद करो अपना ये जुल्म। मिस एलन आप मेरे निकल जाओ यहाँ से। मिस एलन आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। I say get out. ठीक है। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा होकर कहती ये चोटें नहीं मिसी बाबा, सरफरोशी के तमगे हैं। मगर मिसी बाबा अब ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता। जब जब ठोकरें पड़ती हैं पाले खां के ठिकाने का नाम जुबान की नोक पर आ जाता है। पता नहीं किस ठोकर पर वो पता जुबान की नोक से नीचे गिर पड़े। मिसी बाबा मुझे गोली मार दो। मैंने तुम्हारे खानदान की सेवा की है, उस सेवा का इनाम मांग रहा हूँ। मिसी बाबा नहीं के गली, ये तो खत्म हुआ। नहीं मिसी बाबा ये कत्ल नहीं आसान होगा। मेरी जुबान को पाले खां के गले में फांसी का फंदा बनने से बचा लो। मेरे हाथ नहीं है मिसी बाबा, नहीं तो जोर कर कहता मुझे गोली मार दो बेटे, मुझे गोली मार दो मिसी बाबा, मुझे गोली मार दो। भगवान तुम्हें खुश रखे मिसी बाबा, मार दो गोली मुझे। हे राम नहीं, नहीं गंगाधर नहीं,
तुम ऐसे नहीं मर सकते। मुझे पाले खान का पता चाहिए, बताओ। पता बता देना चाह रहा हूँ। गद्दार तुमने क्या किया? दीवानी हो गई है क्या? गोली क्यों चला रही थी? क्या करती, मेरी निगाहों के तीर तुझ पे असर जो नहीं कर रहे थे। ये क्या बदतमीजी है? अरे प्यार को बदतमीजी कहता है? प्यार करके तो देख सालिम। अरे हट, हमारा रास्ता रोक के खड़ी हो जाती है। मेरे दिल का रास्ता सीधा यहाँ से जाता है पाले। उस रास्ते पर मेरे बाप की लाश है। और जिस रास्ते पे तू जा रहा है उस रास्ते पर मेरी लाश है। तो मर। अलविदा पाले, अल्लाह निगेबान मेरे महबूब, मैं तुझे अपना खून माफ करती हूँ। सुलेखा, ये क्या किया तूने? इश्क किया है जालिम, इश्क। अल्लाह कर चम से कोई बात हो जाए सनम। Oh
डर गई। मैंने कहा था ना कि हमारी मुलाकात दोबारा जरूर होगी, मेरी बचपन की महबूबा। अंग्रेजों की बीमार गाड़ी है। मुझे तो इन फिरंगियों की चाल लगती है। इस अंग्रेजी बीमार गाड़ी में जरूर हथियार होंगे। हाँ, लगता है। मुमकिन है। बैंक की गाड़ी नहीं, एम्बुलेंस है। हम जानते हैं, हमें इसकी तलाशी लेनी है। तुम होते कौन हो तलाशी लेने वाले? वाले खान होंगे। मैं एक डॉक्टर हूं और मरीज को अस्पताल ले जा रहा हूं। बहस मत करो, जल्दी से दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगा। मरना चाहते हो? मरना सिर्फ तुम ही लोगों को नहीं आता। क्या नाम है तुम्हारा? रामकृष्ण सिन्हा। रामकृष्ण से नाम। तुम आदमी बहादुर हो। जो आदमी मरने से नहीं डरता वो हमें अच्छा लगता है। लेकिन हम इस गाड़ी की तलाशी जरूर लेंगे। देख, हम वतन मरीज और वो अंग्रेज की बीमार गाड़ी में। कौन है ये? जमाल खान। हाँ, सब सरकारी ठेकेदार हैं और इनका एक कहवाखाना भी है, नाज कहवाखाना। कैसा पठान है तू जो फिरंगियों की ठेकेदारी करता है, एक कावाखाना चलाता है जहां पर शराब और औरतों की इज्जत बिकती है। तुझे जीने का कोई हक नहीं। पाले खान, मैंने सुना था तुम बहुत बहादुर हो, तुम तो बुजदिल निकले। डॉक्टर, अगर तुम मरीज पर गोली चला सकते हो तो तुम्हें आजादी की लड़ाई जीतने या आजादी की लड़ाई में शहीद होने का कोई हक नहीं। मेरे मरीज पर गोली चलाने से पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। चलाओ गोली पाले खान। तुम सच्चे आदमी लगते हो डॉक्टर सिन्हा। पाल खान तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। मैं भी इस दोस्ती को कबूल करता हूं पाल खान, भगवान ना करे, लेकिन कभी इत्तेफाकन मेरी जरूरत पड़ जाए तो आजमा कर देखा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। बंद करो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अरे पाले, जीते रहो बेटा।
बाबा जान। बाबा जान के साथ ये कौन होगा? मैं ये है करीमुद्दीन खान और ये है तेरा मामू गद्दार मोहम्मद जमाल खान। मोहम्मद जमाल उस दिन के बाद इसकी कोई खबर नहीं, पता नहीं दो तक जिंदा है कि मर। जिंदा है पाले खान के हाथों मर। हाँ साहब का शहर में कहवा खाना भी है, नाज कहवा खाना। दिल भरिया
मस्जिद में जाने से पहले भी मार सकता था, पर मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज पढ़ने का मौका दिया, जो मौका तुमने मेरे अब्बा जान को नहीं दिया था। तुम्हें अपना दोस्त खान अली हसन खान तो याद होगा, मोहम्मद जमाल, और यह खंजर भी याद होगा, यह खंजर जिस पर मेरे अब्बा के बेगुनाह नमाजी खून के धब्बे आज तक मौजूद हैं, क्योंकि उन धब्बों को धोने के लिए मुझे तुम्हारे खून की जरूरत थी। रहम पाले खान, रहम। रहम? रहम और तुम पर? रहम मेरी मां के सर पर सफेद चादर डलवाने वाले पर? रहम मुझे यतीम करने वाले पर? रहम उस मुसलमान पर जिसने खान अली हसन खान जैसे पाक इंसान को सजदे में शहीद किया? नहीं मोहम्मद जमाल खान, अगर मैं तुम पर रहम करूंगा तो अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। नहीं पाले खान, नहीं, मैं तुम्हारा मामू हूं पाले खान। मामू जमाल खान, मैं इस मस्जिद में पढ़ी जाने वाली तमाम नमाजों को गवाह बनाकर तुम्हें अल्लाह के पास भेजता हूं। बाबा, बाबा, ये आपको क्या हुआ बाबा? बाबा, खुदा के लिए बतलाइए, आपका यह हाल किसने किया? किसने किया आपका यह हाल? पाले, एक खुशखबरी सुनो हसन खान, तुम्हारे पाले ने जमाल खान को मार डाला। अब तुम्हारा बेटा जवान हो गया, अब तो तुम्हारी रूह को सुकून मिल रहा होगा। शायद एक ऐसी नस्ल के लोग हैं जिनकी तकदीर में सिर्फ इंतकाम लेना लिखा है। आज एक इंतकाम खत्म हुआ कि दूसरा शुरू हो गया। मगर वो था कौन? सूरत तो नहीं देखी, पर था वो गद्दार गुलबाज। हकीम साहब, गोली इनके सर में पेवस्त हो चुकी है, नस में चोट लग जाने की वजह से इनकी आंख की रोशनी खत्म हो चुकी है। उम्मीद है ऑपरेशन से ठीक हो जाए, मगर यह सब शहर में ही मुमकिन भी है। भगवान ना करे, लेकिन कभी इसके पातन में जरूरत पड़ जाए तो आजमा कर देख लेना। शाहजी, यह फर्ज बेटे का है, मैं जाऊंगा। नहीं, तुम्हारी जान हम सबकी जान से ज्यादा कीमती है लाले, ताई खानम के साथ मैं जाऊंगा। नहीं, जुलेखा जाएगी मेरे साथ। नहीं अम्मी, ये नामुमकिन है। तो फिर मैं जाऊंगी नहीं। अच्छा माँ, मैं जुलेखा को बुला के लाता हूँ। नहीं बेटे, तू नहीं, पाले खान जाएगा जुलेखा को बुलाने। ठीक है अम्मी। जुलेखा, 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 अम्मी जख्मी हो गई, उन्हें शहर भेजना है। और अम्मी जिद कर रही हैं कि वो जाएंगी तो तुम्हारे साथ। जुलेखा, जुलेखा, अम्मी की जान खतरे में है। ठीक है, चुप बैठे रहे। अम्मी का खून तेरे साथ ठहरा।
मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही पाले। मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी मैं। तू अपनी जान को क्यों खतरे में डाल रहा है? जिद मत कर अम्मी। ठहर पाले। अम्मी को मैं ले जाऊंगी। आ गई मेरी बेटी। नीचे उतर, खाला खानम को मैं ले जाऊंगी। जा, जा तू। जुलेखा, तुम क्वेटा मिलिट्री हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर सिन्हा से मिलना, कहना कि ये पाले खान की अम्मी है। मुझे पूरा यकीन है कि अम्मी की अच्छी तरह से देखभाल करेगा। सर, आपसे एक औरत मिलना चाहती है, बाहर घोड़ा गाड़ी के पास खड़ी है। ठीक है, चलो मैं आता हूं। आपने मुझे बुलाया? आप डॉक्टर सिन्हा? हाँ। ये पाले खान की माँ है, जख्मी हो गई है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी ऑपरेशन कर देता हूँ। इधर आओ, इन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले चलो। जी सर। माँ खतरे से बाहर हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लेकिन उन्हें 2-3 महीने और रहना होगा आंखों के इलाज के लिए। एक बात याद रखना जुलेखा, वो मेरी माँ है और तुम मेरी बहन राधा हो, जुलेखा नहीं। लाले, क्या बात है, बड़ा उदास नजर आ रहा है। अम्मी को गए 3 महीने हो गए, ना हाल ना अहवाल, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जाने पाले, खाला खानम की फिक्र न कर पाले, भगवान उनका निगहबान है। अरे गुलवास खान, कैसे हो? अल्लाह पाक की मेहरबानी है। हॉस्पिटल कैसे आना हुआ? मेरा हबीब कैप्टन क्रिस्टो इधर आपका मेहमान है। अच्छा अच्छा, रूम नंबर 12 में। शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर, सुना है कि आपकी माँ बीमार है और इसी अस्पताल में है? हाँ जी हाँ। आप कैसी हैं वो? अभी बेहतर हैं। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? नहीं सर, वो सो रही हैं। ओह, मेरा उनसे आदाब कहिएगा। जरूर। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। वहाँ उस कमरे में जाइए। अच्छा। कौन? डॉक्टर बेटे जी। शुक्र है अल्लाह पाक का, मैं देख सकूंगी ना? जी हाँ। पाले खां की जवानी देखना चाहती थी तो देख, पर अब मैं तुम्हें देखना चाहती। पहले मैं एक ही बेटे की माँ थी, पर अब 2 बेटों की माँ हूँ, पाले खां और तुम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड डे नानी, व्हाट्स द न्यूज? बैड न्यूज है, कैंटोनमेंट से सुना है कि डॉक्टर सिन्हा की मदर की तबीयत बहुत खराब है, कंडीशन होपलेस है। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं चला। आई मस्ट कॉल अनु। खाला खानम? हाँ बेटी। खाला खानम, बहुत अच्छी खबर है। क्या? डॉक्टर साहब कह रहे हैं 5-7 दिन में आपकी आंखों की पट्टी खुल जाएगी और 15 दिन में आप घर जाने लायक हो जाएंगी। अरे
ये तो बहुत अच्छी खबर है। तो ये तो डॉक्टर सिन्हा की माँ का कमरा है ना? हाँ, मगर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? देखती नहीं कि खाला खानम की तबीयत ठीक नहीं है? अब जाकर अपने बाप से शिकायत कर दे कि पाले खान की माँ यहीं पर है। कौन है जुलेखा? वही फिरंगन है। शायद गुलबाज खान तुम दोनों के बारे में जान गया है। पली दीदेवान, और उसने ये खबर फैला दी है कि डॉक्टर सिन्हा की माँ की हालत बहुत नाजुक है। जब ये खबर पाले खान तक पहुंचेगी तो घबरा कर यहाँ आएगा और गुलबाज खान के जाल में फंस जाएगा। अरे तो बेटी, तुम किसी तरह पाले खान तक ये खबर पहुंचवा दो कि मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, वो यहाँ ना आए। इस मामले में मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। खाला खानम, मैं खुद जाऊंगी। अच्छा। अली निगेवान, अरे ये तो जुलेखा है, देखो इसे कहीं चोट तो नहीं लगी। अल्लाह, ये तो माँ बनने वाली है। अल्लाह, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। डॉक्टर सिन्हा का कमरा कौन सा है? फर्स्ट फ्लोर पे जाके बाएं से दूसरा कमरा। शुक्रिया। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम बिरादर सिन्हा। पाले खान, तुम क्यों है? अम्मी कैसी हैं? जुलेखा नहीं मिली? जुलेखा क्यों? अम्मा बिल्कुल ठीक है। गुलबाज खान ने तुम्हारी गिरफ्तारी के लिए इस खबर का जाल फैलाया और तुम उसके जाल में फंस भी गए। बेवकूफ, इतना भी नहीं सोचा अगर अम्मा की तबीयत खराब होती तो मैं खुद तुम्हें खबर पहुंचाता। लेकिन बिरादर, बहस मत करो, मैं कहता हूं इस खिड़की से बाहर निकलो। यहां तक आया हूं तो अम्मी को देखे बिना नहीं जाऊंगा। महीनों से जीने और जीतने की दुआ नहीं ली उनसे। चलो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। सो रही है पाले खान, उन्हें सोने दो। चलो। माँ के चेहरे की ज़ियारत तो काबे की ज़ियारत के बराबर होती है बिरादर, और काबे को बोसा दिए बिना मैं नहीं जा सकता। खुशामदीद पाले खान। डॉक्टर सिन्हा, तुम्हारी गद्दारी तो हमें पहले से ही मालूम हो चुकी थी, लेकिन हम उस दिन का इंतजार कर रहे थे कि तुम दोनों को साथ में खत्म करें। पाले खान, तुम्हें यह अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए था कि हमारे बाप का खून एक दिन जरूर रंग लाएगा। जुलेखा तुम हो? हाँ, लेकिन तुम? सुना है मजलिस में कल तुम्हारा मुकदमा पेश होगा, क्या मजलिस के पूछने पर तुम बच्चे के बाप का नाम बता दोगी? वो नहीं पूछेंगे तो भी मैं बता दूंगी, लेकिन तुम कौन हो? सायरा मिस्री, अगर तुमने बच्चे के बाप का नाम बता दिया तो तुम्हारी पाले खान की मां नाहक मर जाएगी। तुम्हें किसने बताया? मोहम्मद गुलबाज खान ने। पाले खान की जान तो अब कोई नहीं बचा सकता जुलेखा, मगर वल्ला फातिमा खानम की जान अब तुम्हारे हाथ में।
खुदा हाफिज। और उसने कहा है कि अगर तुमने उसका नाम ना लिया तो फातिमा खानम खैरियत के साथ मांडोखील पहुंचा दी जाएंगी। कैसे तुम्हें अदालत पे जा रहे हैं, मुकदमा चलाएंगे, मगर मुझे इन रास्तों से मौत की महक आ रही है। तुमने मेरे खातिर अपनी जान? नहीं पाले खान, नहीं, तुम्हारा मुझ पर एहसान है, तुमने मुझे अपने वतन की खातिर शहीद होने का मौका दिया है। पाले खान, खुदा हाफिज़। जुलेखा बिनते करीमुद्दीन खान, तुझ पर शरई हद कायम करने से पहले तुझसे एक बार फिर उस आदमी का नाम पूछता हूं जो तेरे साथ इस गुनाह में बराबरी का शरीक है। अगर तू उसका नाम बआवाज़े बुलंद नहीं ले सकती तो आहिस्ता से कह दे, किसी के कान में कह दे,
जमीन पर उसका नाम लिखते। अगर तुमने बच्चे के बाप का नाम बता दिया तो तुम्हारी पाले खां की मां नाहक मारी जाएगी। फातिमा खानम की जानब तुम्हारे हाथ में, फातिमा खानम की जानब तुम्हारे हाथ में, फातिमा खानम की जानब तुम्हारे हाथ में, फातिमा खानम की जानब तुम्हारे हाथ में। जुलेखा बिनत करीमुद्दीन खान, उस पर हरामकारी का जुर्म साबित हुआ है क्योंकि तू उसका सबूत अपने पेट में लेकर घूम रही है। इसलिए मैं काजी अलीमुद्दीन शाह हुक्म देता हूं कि हर बालिग मुसलमान तुझे उस वक्त तक पत्थर मारेगा जब तक कि तू मर न जाए। ये गुनाहगार है, इसके पेट में नाजायज बच्चा है। ये गुनाहगार नहीं है, मेरी बीवी है और इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो मेरा है। तुम्हारा निकाह कहाँ हुआ, कब हुआ? यहीं शाहजी, मांडोखेल में। किसने पढ़ाया? दो बालिगों के निकाह के लिए किसी काजी की जरूरत नहीं होती शाहजी। लेकिन गवाहों की होती है, तुम्हारे निकाह का कोई गवाह? अल्लाह, मजहब से मजाक नहीं किया करते पाले खान, गवाहों के नाम बताओ। हम तीनों इस निकाह के गवाह हैं शाहजी। खुदा हाफिज। मेरी जान बचाने के लिए तूने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? बचपन के रिश्तों का ख्याल आ गया। उसका नाम नहीं पूछेगा? मैं जानकर क्या करूंगा, तेरा गुनाह है, तू जान। ये मेरा गुनाह नहीं है, मेरी मजबूरी है और वो मजबूरी तुझे जाननी पड़ेगी। उस मजबूरी का नाम है गुलबाज खान। तूने मजलिस को क्यों नहीं बताया? उससे कहलवाया था कि अगर मैंने इसका नाम दिया तो खाला खानम की खैर नहीं। मम्मी की जान की कसम, उस गद्दार को मैं मार के ही मरूंगा। बाले, मम्मी, खाला खानम, बेटे, तुम ठीक हो ना खाला खानम? मम्मी, तुम्हें फिरंगियों ने कैसे छोड़ दिया? बेटा, तुझे क्वेटा रवाना करने के बाद एलेन ने मुझे छुड़ा दिया। अल्लाह सलामत रखे उस लड़की को, तू कैसे छूट के आया? अम्मी, तुम्हारी दुआओं ने मेरे चारों तरफ औलाद की दीवार खड़ी कर रखी है। मैं नहीं मानती, ये हो ही नहीं सकता। ये खबर बिल्कुल सही है, पाले खान ने खुद भरी मजलिस में इस बात का इकरार किया है। शट अप! मेरे शट अप होने से और आपके ना मानने से हकीकत पर पर्दा नहीं पड़ सकता। जनरल बांस को फंसाने के लिए पाले खान ने आपके साथ इश्क का नाटक किया। हकीकत यह है कि पाले खान जुलेखा के साथ इश्क करता था, करता है और करता रहेगा। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो जाके जुलेखा के पेट से पूछिए, जिसमें पाले खान का इश्क बच्चा बनकर कुल बुला रहा है। ले बेटी, खाना खा ले। नहीं खाला खानम, मैं नहीं खाऊंगी। हमल के दौरान औरत को भूखे पेट नहीं रहना चाहिए। ले, खाएगी नहीं तो जिएगी कैसे? इस जिंदगी से तो मर जाना ही अच्छा है, गुनाह का एहसास मारे डालता है। नहीं बेटी, तेरी रूह शीशे की तरह साफ है, पाकीज़ा है। लेकिन ये जो मेरे पेट में पल रहा है, उसे मैं दिलो जान से अपना लूंगी। जो भी है तो मांडोखेल का ही खून। अच्छा ये बता, तुझे लड़का चाहिए या लड़की? खाला खानम,
अल्लाह ने लड़का दिया तो पाले की तमन्ना पूरी हो जाएगी। कहाँ गई थी? मांडोखेल। पाले खान एक बेवफा और धोखे पास आदमी निकला पापा। अच्छा हो तुम्हें फाइनली इस बात का एहसास हो गया। एलन, मेरे ख्याल से तुम लंदन चली जाओ अपनी आंट लूसी के पास। चली जाऊंगी पापा, मगर पाले खान से अपना अकाउंट क्लियर करने के बाद। पाले, मैं हमेशा के लिए इंग्लैंड वापस जा रही हूँ। जाने से पहले सिर्फ एक बार तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम्हारी एलन। बहुत इंतजार करवाया, मैं तो सोच रही थी कि तुम नहीं आओगे। ऐसे हो सकता है? एलन बुलाए और पाले ना आए। अगर तुम नहीं आते तो मेरा एक अरमान दिल ही में रह जाता। ऐसा कौन सा अरमान था? एलन? एलन नहीं, मिस बांस कहो। मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया था कि तुम गिरफ्तार हो सको, ताकि तुम्हें फांसी की सजा मिल सके। धोखेबाज, बेवफा। पाले ना धोखा देता है ना बेवफाई करता है। हाँ, जुलेखा से तुम्हारी शादी का कोई मतलब ही नहीं है ना? जुलेखा मेरी बीवी नहीं है। झूठ मत बोलो। मैं कुरान की कसम खाकर कहता हूँ कि जुलेखा मेरी बीवी नहीं है। फिर वो बच्चा? वो बच्चा गुलबाज खान का है। गुलबाज खान ने जुलेखा की इज्जत लूटी। अगर मैं उसे पाना नहीं देता तो कबीले वाले उसे पत्थर मारकर खत्म कर देते। पाले, मुझे माफ कर दो, ये मैंने क्या कर दिया। पाले, पाले, तुम फौरन यहां से चले जाओ, क्योंकि गुलबाज खान उसके साथी कभी भी आ जाएगी। चले जाओ। मैं गुलबाज खान और उसके सिपाहियों से नहीं डरता। हम लोग पाले जाते हैं शहीद होने के लिए। पाले खान, तुम्हारा ये अरमान हम जरूर पूरा करेंगे ना मुराद। खबरदार जो पाले पे गोली चला। हट जाइए मेरे रास्ते से। ऐसा ना हो कि इस भीड़े की वजह से आप पर कोई आ जाए। चुके हैं।
नहीं, मैं तुम्हें मांडो खेल ले जाऊंगा। ऐसे जख्मों का मरहम तो वहां घर घर में बनता है। जी सर। मेरे पास मांडो खेल जाने का वक्त है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो पहले। थोड़ी देर के लिए मेरे हाथ खोल दो, वजू करके नमाज पढ़ लो। इसके हाथ खोल दो वॉल्टर। बट सर, इसका खोलना डेंजरस है, मैं ये जिम्मेदारी नहीं। ये जिम्मेदारी मेरी है। यस सर। खुदा तुम्हें इस नेकी का इनाम जरूर देगा जनरल। मैं अपनी इबादत में तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। थैंक यू। हो सके तो एलन के लिए भी दुआ करना। मैं तुम्हारे कमरे में हूं, जब ये नमाज पढ़ ले इसे वहां भेज देना। यस सर। अब भी वक्त है पाले खान, हमसे दोस्ती कर लो। मैं शायद अब भी तुम्हारी जान बचा लूं। हम दीवानों को तो सिर्फ मरना ही आता है, और फिर तुम्हारी दोस्ती जिसका दूसरा नाम है गुलामी, पैसे कबूल कर लो। देखो पाले खान, तुम्हारे मुट्ठी भर लोग हमेशा तो लड़ नहीं सकते। एक ना एक दिन तो हमारी फौजी ताकत के सामने उन्हें हथियार रखने ही पड़ेंगे। तारीख पढ़ो जनरल बांस, अगर जान इतनी ही कीमती चीज होती तो करबला के रेगिस्तान में नबी के भूखे प्यासे नवासे ने यजीद की फौजी ताकत के सामने अपना सर जरूर झुका दिया होता।
हम उन शहीदों की यादगार हैं जिन्हें जिंदगी से ज्यादा शहीद होने का शौक होता है। हम हार नहीं मानते, हम या तो जीतते हैं या फिर लड़ते लड़ते मर जाते हैं। जंगे आजादी जारी रहेगी, मरने वालों का सिलसिला मुझ पर खत्म नहीं होगा, ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। वाले खान, तुम पर अपने मुल्क के कानूनी हुकूमत के खिलाफ खुली बगावत करने का इल्जाम लगाया गया है। मुजरिम पाले खान, ये अदालत हुक्म देती है कल 16 सितंबर 1935 को तुम्हारे अपने ही गांव मांडोखेल में सुबह 7 बजे तुम्हें फांसी दी जाए। तुम उस वक्त तक फांसी के फंदे पे लटके रहोगे जब तक तुम मर ना जाओ। हर चीज खुदा की तरफ से आई है और उसी की तरफ लौट जाएगी। आखिरी ख्वाहिश पाले खान, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तुमने तो सिर्फ एक ख्वाहिश पूछी, तो वो ये है कि मैं अल्लाह और मांडोखेल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। पाले खान की बेड़ियां खोल दो। मेरे प्यारे हमवतनों, मुझे खुशी है कि मैं सुरखरू जा रहा हूं, ताजे बर्तानिया के साए को ठुकराता हुआ जा रहा हूं, क्योंकि हमें उनके साए से आजादी की धूप ज्यादा पसंद है। खुदा हाफिज मांडोखेल। आने दो इसे। इसे भर के अपने पाप का बदला ले ले पाले, ताकि मैं तेरे कर्ज से आजाद हो जाऊं। बच्चा तो अल्लाह की रहमत होता है जुलेखा, बाप का वारिस, उसकी अधूरी तमन्नाओं को पूरा करने वाला, यह तो मेरी शहादत का वारिस है। इसे यूं पालना जैसे मुझे मेरी अम्मी ने पाला था। न जाने हमारे वतन को कब तक शहीदों की जरूरत पड़ेगी। मरने से पहले बाबा खान ने यह कुरान शरीफ मुझे दिया था, मरने से पहले मैं ये इसे दे रहा हूं।
اے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری موت دشمن کے ہاتھ ہو رہی ہے. ہم ہار نہیں مانتے, ہم یا تو جیتتے ہیں یا لڑتے لڑتے مر جاتے ہیں. جنگ آزادی جاری رہے گی, مرنے والوں کا سلسلہ مجھ پر ختم نہیں ہوگا, یہ سلسلہ تو چلتا ہی رہے گا, چلتا ہی رہے گا.